नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक 106 गज का बहुत ही सुंदर सस्ता टिकाऊ प्लॉट लेके आया हूँ और ये आपके बिल्कुल बजट में होगा, यकीन मानिए। इसका जो प्राइस है पूरे भाग्य बिहार में आपको घूमने पर भी 106 यानी 100 गज के आसपास का ऐसा कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बात। तो दोस्तों आज मैं जहां खड़ा हूं वहां से प्लॉट की जो लोकेशन है वो मात्र 100 मीटर के दायरे में है। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो रोड है वो मुंडगा कराला रोड से ये बाई रोड निकलता है और जाता है नागलोई। ठीक है, तो इस मेन रोड से जो प्लॉट है मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। आपको इधर भी दिखा देता हूँ, देखिए सामने बस स्टैंड है। ठीक है, आगे से जूम नहीं होता है, 100 मीटर है वहाँ पे, देखिए गाड़ी आ रही है, बस स्टैंड सामने ही है। और वहाँ से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से जो है कि यहाँ का आपको दिखा देता हूँ। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है कि यूनिक लिखा हुआ है, QUE, इस गली से जो है कि प्लॉट में जाना है हमें। तो चलिए वहाँ से आपको दिखाता हूँ लोकेशन। दोस्तों ये जो है मदनपुर बस स्टैंड है यहाँ पे सामने। ठीक है, यहाँ पे लोग खड़े होते देख सकते हैं, तो टी पॉइंट है और ये रोड जो है कि मुबारकपुर की तरफ जाता है अंदर की तरफ, जहाँ पे प्लॉट की लोकेशन। तो देखिए ये रोड कितना अभी आप देख सकते हैं, ये इधर। ठीक है, तो ये कराला से आ रहा है इधर से और इधर जो है कि ये मुंडगा को जाता है। यहाँ से मुंडका मेट्रो स्टेशन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। और प्लॉट की लोकेशन क्या है आइए दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो प्लॉट की लोकेशन है वहाँ सामने। अरे भाई क्या कर रहे हैं, वहाँ सामने है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ से रिक्शा आपको जो है कि हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ पे, कहीं भी जाने के लिए मिल जाएगा। वो जो QUE दिख रहा है ना आपको, वही जो है कि रोड है जहाँ से हमें प्लॉट पे जाना है। ये हम आ गए प्लॉट के पास, यहाँ से जाना है और कॉर्नर पे प्लॉट है। क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये 15 फुट का रोड आ रहा है और पहला दूसरा तीसरा प्लॉट छोड़ के चौथा प्लॉट है। ठीक है, 106 गज का। अब आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, फ्रंट वाले कैमरे से अच्छी तरह नहीं आ रहा था, मैं साइड से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के लोकेशन की। तो देखिए जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम है, कैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बस स्टैंड बगल में ही है। वहाँ से आपको ई रिक्शा, ऑटो, बस, वो भी DTC की जो सरकारी बस है वो मिल जाएगी। और एक दो नहीं, कम से कम 15-20 नंबर वाली बसें चलती हैं, मतलब 15-20 नंबर की, जैसे 929, 991, 779 और भी, मतलब बहुत सारी बसें हैं। तो ये तो आपकी हो गई DTC और ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो भी मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो। अगर हम लोकेशन की बात करें तो मुंडका मेट्रो से यहाँ की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। और अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, आप IGI एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये 25 से 30 किलोमीटर पड़ते हैं और लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटे का समय लगता है यहाँ से जाने में। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से भी ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा इसके प्राइस की, तो वो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल जच जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लॉट की अच्छी तरह से लोकेशन देख लीजिए। देखिए 15 फुट की गली है, 15 फुट का रोड है ये आपका, और ये आपका प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है। और इस प्लॉट का जो फ्रंट है, इस प्लॉट का फ्रंट है 19 साढ़े 19 फुट का, मतलब 19 फुट का साढ़े 19 फुट का मान लीजिए, इतना ही पड़ेगा। गहराई पड़ेगी लगभग 55 फुट की, 54 फुट की।
ठीक है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि जो प्लॉट का डायमेंशन है वो हो गया लगभग 19 मान के चलिए, 19 मान लेते हैं मोटा मोटा, तो 19x55 का आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। कागजों में 106 गज है ये ज़मीन। तो आपको ये जो प्लॉट मिल रहा है, एक तो इसका फ्रंट भी ठीक है, गहराई भी आपको ठीक मिल रही है, और इसको कैसे बनाना है उसका एक छोटा सा मॉडल दिखाऊंगा। एक ऑफिस हमारे पास जो 14x60 फुट का ऑफिस हमारे पास, और वो कैसे बनाए अगर आप वो देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर उस हिसाब से इसको आप डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे तो वाकई ये जो है कि बिल्कुल फिट बैठेगा आपके बजट में भी और कॉस्ट के साथ। अगर बात करेंगे यहाँ पे सरकारी स्कूल की या फिर हॉस्पिटल्स की या फिर अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो कॉलोनी है, जो यहाँ पर ये जो बसावट है वो लगभग 30-25 साल पुरानी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है पेपर्स को लेकर, कि हम सभी जानते हैं कि जो कॉलोनी है वहाँ पे जो पेपर होते हैं वो होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे। तो अभी पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन ये समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की जो DD की जो स्कीम थी उसके अंतर्गत ही पास हो चुकी है कॉलोनी, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है कि कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है पेपर से रिलेटेड भी। अभी आपको GPA पे मिलेगा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे मिलेगा। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोन करते हैं तो सर लोन वाली प्रॉपर्टी जो है 1,00,000 रुपये गज से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि जो लोन वाली प्रॉपर्टी है वो मिनिमम 1,00,000 रुपये गज से स्टार्ट होगी, और यहाँ तो आपको भाई 15,000 रुपये गज में ज़मीन मिल रही है। ये वाली जो आपको ज़मीन है वो 15,000 रुपये गज में मिलेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप इसको भी परचेज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 15,000 रुपये गज के हिसाब से इसका रेट निकालेंगे तो 106 गज का बैठता है 15,90,000 रुपये, इसी के आसपास बैठेगा, ठीक है। 80 या 90 हज़ार ऐसे कुछ बैठेगा, या जो भी है कैलकुलेशन करने पता चल जाएगा। तो 15,000 रुपये गज के हिसाब से आपको ये ज़मीन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लॉट समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और आप ये सोचिए कि आपको 15,000 रुपये गज के हिसाब से मिलेगा तो 100 गज के हो गए 15,00,000, और 6 गज बच गया ऊपर तो 15×90 यानी कि 15,90,000 में लगभग वही मान लो 16,00,000 रुपये में आपको जो है 106 गज का प्लॉट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये भी ख़रीद लोगे, और आपके हिसाब में जो बजट में होगा बजट में भी ज़मीन मिल जाएगी, और उसके साथ ही आपका जो घर बनाने का जो तरीका है वो भी आपका बहुत बढ़िया बनेगा। और तो और आप अगर इसमें कुछ आधे में जो है कि रेंट के लिए बना दें और आधे में अपने लिए बना लें तो आपको पूरे जीवन जो है कि रेंट के तौर पे आपकी कमाई भी होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये, ठीक है। लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप विजिट ज़रूर करें, देखें, रिहाइश के लिहाज से बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, और जो पहले से हमारे कॉन्टैक्ट में है उनके पास तो नंबर है ही, वो खुद ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।